तो विनोद जी हमारे साथ डेमो क्लास के ज्वाइन किए हैं। विनोद जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है क्या। बेसिकली मेरे पास दो तरह के कोर्सेज है। पहला है जी लाइव जूम क्लासेस। अभी जो आप ले रहे हैं लाइव जूम क्लासेस है, मंडे टू हाँ फ्राइडे 1-1 घंटे की क्लासेस होती है। तो आप हाँ एक छुट्टी जो कि बैच में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जी और इसमें सिर्फ आपको एक्सेल ही नहीं, आपके जो ऑफिस की सॉल्यूशंस है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, वो चीजें भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा हमारे पास आता है रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है, जिसको आपको खुद से देख के और सीखना है, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होती है, तो मुझसे फोन पे टेलीफोनिक सपोर्ट में बात करना है। इसको पीसी और मोबाइल दोनों पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। तो YouTube की किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, अदरवाइज आप एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे। जी हाँ, एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो मेरा ऐप दिख जाएगा। ऐप के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टोर में जब जाते हैं तो सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें गूगल सीट हमने कल ही लॉन्च की है, ये भी ले सकते हैं। ये चीजें भी आपके साथ अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम लाइव क्लासेस, क्योंकि हमारी यहाँ बातचीत चल रही है लाइव क्लासेस की। तो ऑनलाइन लाइव क्लास पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोर्सेज नजर आ जाते हैं। हो गया। ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे कोर्सेज है। सबसे पहला है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला और दूसरा है जीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग। एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूले पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें भी दो तरह की क्लासेज है। पहला है हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, दूसरा हमारा एक्सपर्ट लेवल क्लासेस है। तो फास्ट ट्रैक कोर्स उनके लिए होती है, जैसे इंटरव्यू वगैरह देना है उनको और कुछ सारी चीजें नहीं सीखनी है, कुछ कुछ चीजें सीखनी है, तो वो लोग जो है फास्ट ट्रैक कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ये आपका 5 से 6 घंटे में सब कुछ कवर होता है। लेकिन ये चीज आपके लिए, एक कोर्स जो फास्ट ट्रैक कोर्स है, आपके लिए सुटेबल नहीं है। हम बात करते हैं एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस, जो कि 35 से 45 घंटे की क्लासेस पड़ेगी। मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे क्लास होगा। इसमें जो टॉपिक कवर है वो आपके सामने दिख रहा है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप उसको खोल के आराम से सब कुछ देख लीजिएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर। तो इसमें जो है क्लासेज है, ये आपका ऑफिस के A to Z जितने भी चीजें हैं सब कुछ कवर है इसमें। इसमें पीवट, एडवांस पीवट, पावर पीवट, टेबल कवर है, इसमें सारे चार्ट्स कवर है, मोर देन 300 फॉर्मूला है, एडवांस फॉर्मूला ट्रिक्स है, एरे फॉर्मूला है, डेटा कनेक्टिविटी है, पावर क्यूरी है, एसक्यूएल क्यूरी है, सब कुछ इसमें कवर है। ठीक है ठीक है सर। सर जी। और ये आपको लेटेस्ट ऑफिस जो होगा 2021 इस पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर। अब इसी की बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट कोर्स आता है वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो इसकी ड्यूरेशन 45 घंटे से 55 घंटे की है। मंडे टू फ्राइडे इसकी भी क्लासेज होती है, और इसके भी जो है जो आपके सामने जो दिख रहा है कोर्सेज है, इसमें भी बेसिक प्रोग्रामिंग, अप्लाई कंडीशन, लूप्स, इवेंट, ये चीजें इस पर कवर है। जी अब इसकी भी जो पीडीएफ कॉपी है मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप इसको आराम से देखें। ओके सर, ये कोर्स की डिटेल्स हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल है क्या। अब कुछ लोगों का मानना है कि एडवांस एक्सेल कोई अलग से सॉफ्टवेयर तो नहीं है, या एक्सेल के अंदर ही कुछ फीचर्स है जिसको हम एडवांस कहते हैं। देखिए, दोनों मेरे हिसाब से गलत है। माइक्रोसॉफ्ट किस कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं कर रखा है कि कोई फीचर बेसिक है या कोई फीचर एडवांस है। उसका यूज बताता है कि वो बेसिक है या एडवांस है। चलिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, बहुत ही माइनर से एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिख रखा है, यहाँ पे 30 लिख रखा है। अगर मैं 20 को 30 के ऊपर नॉर्मली पेस्ट किया तो 30 रिप्लेस बाय 20, ठीक है।
अब यहाँ पे एक्सेल में एक फीचर होता है पेस्ट स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल में जो चीज आपने कॉपी की उस पर पार्ट पेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो आता है वो आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड वगैरह। तो मैंने अगर ऐड पे क्लिक कर लिया तो क्या होगा, 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट 50 जो है वो F4 पे, या जहां कर्सर है वहां पे पेस्ट हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने पेस्ट स्पेशल में मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई सिलेक्ट किया तो अभी 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा। मैं कॉपी का हुआ है 20 और पेस्ट कहाँ हो रहा है 50, इसलिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर रखा है। राइट सर, है 1000 वो पेस्ट हो जाएगा। तो आपने इसमें जाना कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन का कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या उसका आउटपुट निकलता है। ठीक है, इसको हम बेसिक कह सकते हैं। अगर हम इसी की एडवांस की बात करें तो इसी चीज को मैं एडवांस एक्सेल में कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक्सेल में कोई परसेंटेज टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 20% 20% का सिंबल टाइप करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 20%। अब मैं यहाँ पे 20 टाइप करके एंटर मार दू, बाद में फिर 20 को सिलेक्ट करके परसेंटेज लगाओ तो 2000% आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। इसका मतलब है कि मुझे बाद में परसेंटेज अगर लगानी हो तो मुझे 0.20 मतलब टेबल में लिखना होगा। जब इस पे हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो 20% हो जाएगा, मैं 20 को 100 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा ना वो डालना है। अब यही पे प्रॉब्लम था, हमारे पास एक हमारे कलीग थे, हमारे हम एक डेटा भेजते थे तो उनके हिसाब से परसेंटेज होता था लेकिन एक्चुअली में होता था वो नंबर कुछ इस तरह से। अब इस डेटा को मैं यूटिलाइज कहीं पे करना है तो ये अगर मान लीजिए 500 का अगर 51% निकालना है और 51% परसेंट फॉर्मेट में है तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 5 यहाँ पे 51 इन द नंबर फॉर्मेट में है तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं निकाल सकते, मुझे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम हो गई कि मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पूरा फॉर्मूला इसके भी आप पे और कई सारे और डेटा के साथ भी कनेक्टेड है, इसलिए मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, मतलब डिवाइड बाय 100 नहीं कर सकता। अब मुझे इसको जहां यूज करना है ना वहां पे 51 नंबर नहीं 51% चाहिए। अब एक एक करके चेंज करेंगे तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। राइट सर, यही पे हम सीट वन की जो एग्जाम्पल है इसको यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं कि सीट टू पे 100 कहीं भी कॉपी टाइप करके इस 100 को कॉपी करके पूरे एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं डिवाइड और ओके कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे दिया, सारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। सेम चीज मैंने आपको सीट वन में ही बताई, तो सीट वन में चीजें बताई आपने उसको हल्के में लिया, बोला कि तो नॉर्मल से चीज है कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि आप याद भी नहीं रहेगा, ये भूल जाएगा कुछ हमें लगता है कल ही भूल जाएगा, कल तक भूल जाएंगे आप। अननेसेसरी चीज लग रही है आपको, तो यूजफुल नहीं लग रहा है। लेकिन जब इसके साथ हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, हमने क्या किया एक प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके साथ। ठीक है सर? जी सर। फिर उसका सॉल्यूशन बताया तो आपका दिमाग ये चौका, आह ये इतना अच्छा, इतना आसानी से हो गया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये एडवांस एक्सेल है। अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ कहीं किताब में या कहीं चीजों पे लिखी हुई नहीं है, ये चीजें हमें काम करने से पता चली है। और आपको ये ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक्स आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही सिखा सकता है। तो ये हमारी जो क्लासेस जितनी भी होती है, चाहे एक्सेल हो या वीवी हो, इसी तरह की ट्रिकी क्लास होती है। इसी तरह से हम छोटे से एग्जाम्पल से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते हैं। और हमारी क्लासेस में आपको फाइल से लेके डेवलपर मेनू बार के हर एक टॉपिक को हम
बेसिक टू एडवांस कवर करते हैं। हम उस कंसेप्ट के पहले बेसिक कंसेप्ट को समझाते हैं, फिर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रखते हैं और उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी लाइव क्लासेस में ले या रिकॉर्डेड क्लासेस में ले, दोनों में आपको यही होता है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस फाइल भेजी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस फाइल भेजी जाती है, इसके रिलेटेड नोट्स भेजे जाते हैं। जैसे कि अगर क्लास लिया तो ये देखिए, दिख रहा है पेस्ट स्पेशल प्रैक्टिस फाइल हमारा है जी। ये आपको मैंने एग्जांपल बताया आपको, फिर मैंने समझाया कि इस पे इस तरह से कीजिए, प्रैक्टिस वन ये करना है, प्रैक्टिस थ्री इसको इस तरह से करना है, ये कॉलम विड्थ को यूज करना है, प्रैक्टिस फोर हम बताते हैं कि भाई इसमें कॉपी ए 19 बट डेट आर एन अमाउंट सेम फॉर्मेट, क्वेश्चन देते हैं मतलब कि आपको सॉल्व करने के लिए। तो उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट से कुछ चीजें हैं जो हम आपको समझाते हैं कि ऐसा करना है, यही तक खत्म नहीं होती है। उसके बाद आपको मेल के ऊपर, जब आप क्लास खत्म करेंगे तो मेल के ऊपर आपको एक नोट फाइल तो मिलेगी मिलेगी, जो फाइल आपने यूज करना है वो तो मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा ये देखिए, ठीक है आपको, जैसे ये देखिए प्रवीण जी की क्लास चल रही थी जी, तो प्रवीण जी को सबसे पहले तो ये फाइल मिला गया प्रैक्टिस फाइल, साथ में उनको एक पीडीएफ बुक मिला गया जहां हमने टेस्ट स्पेशल के बारे में समझाया हुआ जी। तो हर क्लास के बाद इस तरह की चीजें आपको मिलेगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो तो अलग, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी वो तो अलग चीज। वो सर यूट्यूब चैनल पे मैंने आपका देखा था, तो उसी से मैं आपको फॉलो करता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे तो सैंपल रिकॉर्डिंग्स या प्रमोशनल रिकॉर्डिंग हम डालते हैं, लेकिन क्लास के अंदर क्या होती है, क्लास जब आप चलते हैं तो हर क्लास रिकॉर्ड होती है, इसको आप भी रिकॉर्ड करते हैं और हम भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड किया तो ठीक है, आपने नहीं किया तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें हर क्लास में, तीन दो से तीन चीजें मिलेगी। पहला मिलेगी आपको हर उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद जो टॉपिक कवर की है उसकी रिलेटेड प्रैक्टिस फाइल, और फिर उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल या कोई नोट्स है वो आपको मिलेगी, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां हम देंगे, जहां जरूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक है इसकी जरूरत नहीं है तो हम वहां नहीं देते, या फिर जो भी जरूरत लगा उस हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। और डेली बेसिस पे क्लास होगी 45 मिनट से एक घंटा, ड्यूरेशन आपकी क्वेश्चन और टॉपिक पे डिपेंड करता है। ये ड्यूरेशन एक घंटे की होती है, 45 मिनट की होती है, कभी कभी 30-35 मिनट की भी होती है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, कितना पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। एक दिन का एक टॉपिक, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद फिर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशंस जी। देन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का दो तरीके होते हैं, आप फोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा था या ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, और छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो फोन पे सॉल्व कर देंगे, या फिर आप मुझे अपने प्रॉब्लम मेल कर दें, अगली क्लास में हम प्रॉब्लम उस पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देंगे, देन क्लास शुरू करेंगे, ठीक है जी। और सर इसका जो से